चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा कि गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य हो सकता है। तो चाणक्य ने कहा कि जिस घर के पुत्र बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, गुणवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, समझदार होते हैं, जिस घर की संतान संस्कारी होती है, सुसंस्कृत सुभद्र होती है, सौम्य संतान होती है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य बनता है। क्योंकि संतान अगर बिगड़ गई तो घर में संताप पैदा हो जाता है, और संतान यदि अच्छी निकल गई तो घर का शोक संताप दूर हो जाता है और घर में खुशियों के फूल खिलने लग जाते हैं। अपनी संतान को भी सत्संग से जोड़िए, परिवार में एक दूसरे सदस्य से बात भी मत लड़ाइए। आप यदि सास ससुर हैं तो भी गम खा करके रहिए, क्योंकि अब दूसरी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब बेटे बहू आ चुके हैं, अब ये जनता पार्टी की सरकार चुन ली गई है, तुम्हारी सरकार अब समाप्त होने वाली है। अब रिटायर जो सरकार होने वाली है, थोड़ा झुक करके चलिए। मैं अपने संचालक साहब के पास में जाता हूँ, अभी गया था दर्शन करने के लिए, तो मैंने उनको माला पहनाया तो माला निकाल कर हमको पहना रहे थे, वो समझ गए कि सरकार बदल रही है। मैं उनको पहना रहा था तो जबरदस्ती हमको पहना रहे थे, तो उसी माला में हमने कहा इसी में डाल दो, तो दोनों जने का मूड एक ही मालूम रहे। फिर हमने कहा अच्छा निकाल एक पूरा पहना दे, पूरा पहना इन तो खुश हुए। उसके बाद फिर दूसरा माल आया तो मैंने उनको फिर पहनाया, मुझे दूसरा पहना दिया गया, तो मैंने वो अपना फिर निकाल के हमका पहरा रहे, तो सब लोग रोक रहे रहे, हम रोक रहे आप एक पहने रहो, तो उनका मन रहे तुम्हें सब पहरो, अब हमका न माला चाहिए न माल चाहिए, हमका केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए बस। होशियार आदमी हम उनके पास कभी कभी जाते तो ताली ऐसे ऐसे बजाने लग जाते, एक साल पहले तो हमारे पाँव छूने लग जाते, हमने छूने कभी नहीं दिया, उनके पाँव हम हमेशा छूते हैं। अपने से बड़े लोग रिश्ते में बड़े हों या उम्र में बड़े हों या गुणों में बड़े हों या महानता और ज्ञान में बड़े हों, उनसे कभी पैर नहीं छुआना चाहिए। पैर छुआने से अपना पुण्य क्षीण हो जाता है और अपने को पाप लग जाता है, और उनके पैर छूने से उनका भी पुण्य अपने आप को मिल जाता है। मैं उधर से फिर आया, गुरुदेव के फिर से बंदगी किया, गुरुदेव की आरती किया, जब गुरुदेव को मिला मैं तो गुरुदेव ऐसे हमारी ओर देख एक हंस रहे, कह रहे बहुत छलांग लेते हो, जम पस चलते, हमके जंप का देर हो रही है। तो बोले फिर दोबारा फिर क्यों आयो हमारे पास, हमके गुरु बंदगी किए बिना सत्संग पूरा सफल हो ही न करी। बोले पहले तो कर गए थे, हमने कहा बार बार बंदगी, हजार बार बंदगी, क्षमा देव की बंदगी, गुरुमन की बंदगी। तो बोले तुमसे बतलाई को पाई, चलो ठीक है कर लेगा। फिर आरती किया हमने, गुरु जी खुश थे। अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले व्यक्ति का एक बार अगर उनका सम्मान करोगे तो दुनिया में लाखों बार तुम्हारा सम्मान होगा, और उनका सम्मान भूल जाओगे तो तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाएगा। अब की जय। होली दीपावली रक्षाबंधन आदि पर्व आते हैं जो गृहस्थ आश्रम में, उस दिन आप एक माला लाइए, एक माला अपने पिताजी को पहनाइए, एक अपने माँ को पहनाइए, जो तुम्हारी पत्नी है वो सासू को पहना दे, तुम पिताजी को पहना दो, और दादा दादी हैं उनको भी एक एक माला पहनाइए, उनके पैर छुइए, और उनसे कहिए कि आशीर्वाद दीजिए। और कितने बुजुर्ग लोग ऐसे हैं उनको आशीर्वाद आशीर्वाद देना आता नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ के कहो और वे मुस्करा दे, उनका मुस्कराना खुश होना भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद का पिटारा खुल जाना ही है। सम्मान बहुत बड़ी चीज है, इस दुनिया का नियम है जो तुम संसार को देते हो वही संसार तुमको 10 गुना वापस लौटा देता है, इसलिए दूसरों का आदर करना सीखो। सुतास्तु सुधिया, बुद्धिमान पुत्र बनो, संस्कारी पुत्र बनो, कांता प्रिया लापनी, और जिस घर की स्त्रियां अपने पति से प्रेम से बात करती हैं, मधुर बोलती हैं, जिस घर की भार्या पूरे घर में अपनी मिठास से प्रेम पैदा कर देती है, सबकी गम भी खा लेती है, सबको निभा लेती है, जोड़ने का प्रयास करती है,
ऐसी नारी नारी नहीं है, वो घर की नारायणी है। और जिस घर में इस तरह की नारी नारायणी के रूप में रहती है वो लक्ष्मी है, रंभा है, उस घर को मंदिर कहा जाता है और वहां पर कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती है। इसलिए नारी को भी संभल करके रहना चाहिए ताकि आपका घर मंदिर बन जाए, घर मंदिर बन जाए और तुम सब उसके पुजारी बनो। अपनी माँ का सम्मान भी कीजिए, आदर कीजिए, माँ की चार बातों को सुन भी लीजिए, उनके लिए इंतजाम भी कीजिए। तन मन धन अर्पण है मेरा, हे माँ तुम्हारे चरणों में, ऐसी बात भी कही है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। गुरु के बिना गृहस्थ आश्रम भी अधूरा है। गुरु भगवान श्री राम गृहस्थ आश्रम में थे, गुरु वशिष्ठ रोज उनके घर पर आते थे, सत्संग सुनाते थे। अन्यथा ये राम के वनवास का ऐलान सुनते ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में झगड़ा भी हो सकता था। कौरव पांडवों के बीच में कोई गुरु नहीं था, इसलिए दोनों में तनाव और तकरार पैदा हो गई थी। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच में जब तनाव पैदा हुआ बंटवारे को लेकर के, तो उनके बीच में एक गुरु प्रवेश कर गया। अब गुरु ने आकर के बीच में समाधान कर दिया, मुकेश ने भी संतोष कर लिया और अनिल भाई ने संतोष कर लिया, नहीं तो रिलायंस सिस्टम बिगड़ने वाला था। याद रखना, वाद विवाद में हिमालय भी हिल जाता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु परफेक्ट इफेक्ट और सिलेक्ट गुरु होना चाहिए, करेक्ट गुरु होना चाहिए। ऐसा रिजेक्ट गुरु नहीं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा वगैरह पगैरा गुरु नहीं, टाप का गुरु होना चाहिए, चरित्रवान गुणवान ज्ञानवान गुरु होना चाहिए, जिसकी वाणी जिसका दर्शन आपकी जिंदगी को परिवर्तन करके रख दे। ऐसे गुरु के साथ में अपनी भाग्य की शुरुआत हो जाती है।